साउथ सिनेमा से सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर सामने आई है। खबर ये कि तमिल और मलयालम फिल्मों के एक्टर डैनियल बालाजी इस दुनिया में नहीं रहे। खबरों के मुताबिक एक्टर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। बीते दिन उन्हें चेस्ट पेन हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें चेन्नई के कोट्टिवक्कम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बच पाई और एक्टर ने दम तोड़ दिया। डैनियल महज 48 साल के थे। ऐसे में उनके अचानक निधन की खबर से फैंस को बड़ा झटका लगा। फैंस सोशल मीडिया के जरिए डैनियल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्टर मोहन राजा ने डैनियल बालाजी के निधन पर अपना दुख जाहिर किया और लिखा, बहुत ही दुखद खबर है। वे मेरे लिए फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा थे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उनके साथ काम करना मिस कर रहा हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि डैनियल बालाजी का अंतिम संस्कार आज यानी शनिवार को किया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुरसाई वालमकम स्थित उनके आवास पर ले जाया गया है, जहां इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। बता दें, डैनियल बालाजी लंबे वक्त से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वो सिनेमा में करीब 3 दशक से काम कर रहे थे। डैनियल बालाजी ने अपने करियर की शुरुआत में कमल हसन के साथ काम किया और साथ ही कई और टेलीविजन सीरियल्स में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। चिट्ठी सीरियल ने उन्हें लोगों के बीच में फेमस किया। इसके अलावा डैनियल ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवीज भी दी, जो कि तमिल और मलयालम भाषा में थी। डैनियल कमल हसन, थलापति विजय और सूर्या जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं।